Welcome to the House of Parliament. अभी हम आपको लेकर जाएंगे House of Lords में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं यूके की, और यहाँ अंदर जा रहे हैं. जो इनके कानूनी दस्तावेजात थे वो सब मुकम्मल हो चुके हैं. आसिम भाई, क्या सिलसिला है, किन से मिलने जा रहे हैं, बता दें. जा रहे हैं यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट सैयद वेरिलस वासी, और वो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की एक्स चेयरमैन भी रह चुकी हैं, यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर हैं. उसके अलावा वो पाकिस्तान की यूके से मिनिस्टर रह चुकी हैं ओवरसीज की, और यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं. उन्होंने आज हमें इनवाइट किया था, और आज हमारी पाकिस्तान में समाजी मामलात में, पाकिस्तान के रफाई मामलात में, जो पाकिस्तान में दरपेश मसाइल हैं, उसके लिए हमसे बात करेंगी, और उनकी शुक्रिया अदा कर देंगे. उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया है. हमारे डॉक्टर ज़ारा हमारे साथ हैं, शुक्रिया. हमारे तबस्सुम भाई मौजूद हैं, सबीरा वेलफेयर के पाकिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं. हमारे साथ नुमान भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया. आप देख सकते हैं और ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, अंदर वीडियो अलाउ बड़ी मुश्किल से होगी, इसलिए मैंने कहा आपको बाहर से दिखाएं. ये तकरीबन 1000 साल से ऊपर, 500 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग के अंदर अब हम जा रहे हैं. अंदर चूंकि चीजें अलाउ नहीं है, इसलिए बस यहाँ से आगे फिर आपको अंदर की चीजें दिखाएंगे. थैंक यू. चले अंदर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मौजूद है, और जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है, वैसे यूके की पार्लियामेंट हमने पूरा विजिट किया और तमाम जगह देखी है. और मैडम सईदा वारसी साहब हमारे पाकिस्तान का फखर है, और जिस लेवल पे यहाँ पर हैं और जिस लेवल पे पॉलिटिक्स में यहाँ इनको खुदा ने इज्जत दी और मकाम दिया है, इनको आप वजीर आजम के तौर पर इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे. आसिम भाई, मैडम का पूरा आरोप करा. मैडम जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की एक्स चेयरमैन है, यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मेंबर है, और पाकिस्तान की मिनिस्टर रह चुकी हैं फ्रॉम द यूके पार्लियामेंट. तो उसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स में यहाँ पे शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मेंबर, सो सॉरी पहली मुसलमान है जो यूके के कैबिनेट में है. और आज हम यहाँ आए हैं, फर्स्ट टाइम इनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो इन्होंने वी थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, और हम मिलके आगे काम करेंगे. मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस वक्त, ये हमने अभी सुबह आने से पहले कोट खरीदा है, टाई आसिम भाई की शूज हमने लिए, क्योंकि रूल ये है कि यहाँ पर इस ड्रेस के बगैर आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते. ऐसी है मैडम, और बड़ी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद ये एनओसी मिलती है कि कौन अंदर जा सकते हैं. मेरी बाकी टीम को नहीं मिली थी, मुझे मिली थी, उनके साथ आया. मैडम से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत बड़ा विजन है इनका, और जिस तरह पूरी दुनिया में चैरिटी के हवाले से देख रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में खुद भी इन्वॉल्व है. और एक औरत जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया था, उसके केस को देखा, और फिर उसकी बेटी के नाम से, सवेरा के नाम से, उन्होंने खुद भी काम वहां पर शुरू किया, और बहुत बड़ा काम कर रही है. और इंशाल्लाह हम उनके साथ ज्वाइंट वेंचर भी करेंगे, और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स जो थे मैडम को बताए भी, उन्होंने देखे भी जेडीसी के जो हम सैलाब में काम कर रहे हैं. कैसा लगा मैडम जो हमने दिखाया आपको, सब बताया? आई थिंक जो भी अपना टाइम, अपनी जिंदगी जो है वो दूसरों की बेहतरी के लिए अपने आप को सैक्रीफाइस कर देते हैं, उनके साथ मिलकर हमेशा जो है ना मैं इंस्पायर होती हूँ. मैं कहती हूँ कि जब हमारी जिंदगी क्या है, सिर्फ यही कि जो अच्छे काम हम करके जाएंगे यहाँ से, और जिन लोगों की जिंदगियां हम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेमोरीज हम बनाएंगे. सो आज आपके साथ जफर भाई यहाँ पे, हम लोगों ने पार्लियामेंट में मेमोरीज बनाई हैं, आपका अच्छा काम देखा है, और उम्मीद यही है कि फ्यूचर में हम मिलके अच्छा काम करेंगे. ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है. ये कहानी है मुसलमानों की ब्रिटेन में, हम कौन हैं, हम यहाँ पे कैसे आए थे, हमारी जर्नीज क्या थी. ये मेरी कहानी नहीं है, ये मुसलमानों की कहानी है, और यहाँ पे चैलेंजेस क्या हमारी कम्युनिटी के लिए हैं, और फ्यूचर में हम इस कम्युनिटी को किस तरह सबसे बेहतर कम्युनिटी बना सकते हैं. ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है यूके में, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है, सबसे नौजवान कम्युनिटी है, और ये इस मुल्क की फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे.
और उसमें आई होप कि आप लोगों का भी इसमें रोल होगा, अगले एडिशन में हमारा नाम भी होगा। अच्छे काम होते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको बताया उस विजन को, उस मिशन को और तेजी से आगे लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग हो गई मैडम सईदा वासी साहिबा से, और इंशाल्लाह और खुल के जिस तरह अभी हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बिला तफरीक, हम जब हमारी यूके चैरिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, जिस तरह हमारी अमेरिका में रजिस्टर्ड हो चुकी है, हमारी कनाडा में रजिस्टर्ड हो रही है, और हमने और खुल के भी काम करना है। यहाँ की जो चैरिटीज हैं वो भी सपोर्ट करेंगी खुल के। आसिम भाई हमारे यहाँ पर ट्रस्टी हैं, पहले से ही हैं, देख रहे हैं सारे मामला। कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत अच्छी मीटिंग रही, और हमारे आगे के बहुत प्लान है, फ्यूचर प्लान है यूके के लिए, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सरप्राइज देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।